इसके सबके लिए अपने अपने मायने हो सकते हैं। प्रिया, ये कौन सा टाइम है तुम्हारा क्लास में आने का? सर वो एक्चुअली सुबह, अभी रुक जा। हाँ सर हो गया लेट। तो ये कि कम से कम आज की क्लास तो तुम मेरी अटेंड नहीं कर सकते। सुनिए, मेरे पापा ना इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, तो मेरा जब मन करेगा मैं तब आऊंगी। श्रेया, तुम आधा घंटा लेट हो। हाँ तो क्या करोगे? प्रिंसिपल को कंप्लेन करोगे? प्रिंसिपल की सैलरी भी ना मेरे पापा ही देते हैं। तो तुम इस बात की मुझे धमकी दोगी? अरे आपका काम पढ़ाना है ना, तो चुपचाप पढ़ाओ, वरना ना मुझे एक मिनट नहीं लगेगा आपको नौकरी से निकलवाने में। चल प्रिया। किसने किया ये? देखो एग्जाम सर पे हैं, एंड प्लीज फोकस ऑन द क्लास। सुनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट योर गोल। अब ज्यादा हो देखो, अगर तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ना तो साफ साफ बता दो मुझे। हाँ सर, नहीं पढ़ना है। श्रेया, बिहेव। श्रेया, गेट अप, खड़ी हो जाओ आप और क्लास से बाहर चली जाओ। क्या क्या बोले आप? मैं क्लास से बाहर जाऊं? हाँ, तुम क्लास से बाहर चली जाओ। मैं नहीं जा रही, आपको जो करना है कर लो। अब या तो तुम क्लास से बाहर जाओगी या मैं किसी को भी नहीं पढ़ाऊंगा। तो पढ़ना ही किसको है आपसे? ठीक है श्रेया, अब या तो तुम इस क्लास से बाहर जाओगी या फिर मैं जा रहा हूं क्लास से बाहर। ओहो हो सर, तो आपका टाइम पूरा हो गया, अब तो आपको ही जाना पड़ेगा क्लास से बाहर। श्रेया, ये तुम क्या कर रही हो? पापा मुझे फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए। और तुम्हें पेपर क्यों मिलना चाहिए? पापा अभी इन सब का टाइम नहीं है, मैं ये हर बार करती हूँ। क्या तुम हर बार चीटिंग करके पास होती हो? पापा मुझे बताओ ना, क्वेश्चन पेपर कहाँ रखा है? तुम्हें पेपर नहीं मिल सकता। पापा ऐसे मत बोलो, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो मैं फेल हो जाऊंगी। देखो श्रेया, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। पापा आप बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? श्रेया देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक्सटर्नल एग्जाम के अंदर 2 हफ्ते बाकी हैं। तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। पर पापा मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। वो मैं नहीं जानता, जस्ट बिकॉज मैं कॉलेज का ट्रस्टी हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी गलत करने दूंगा। पर पापा, पापा सुनो, हेलो सर। अरे श्रेया, तुम इस वक्त मेरे घर पे क्या कर रही हो? सर वो, हाँ, शायद मेरी बेइज्जती में कोई कसर बाकी रहेगी होगी जिसे पूरा करने के लिए तुम इस वक्त मेरे घर पे आई हो। नहीं सर, वो एक्चुअली, सर क्या आप मुझे फाइनल्स के लिए पढ़ा सकते हो? अरे क्या हुआ, हमारे तो पापा ट्रस्टी है ना कॉलेज में, और तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है? सर मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर चुरा कर पास होती थी। क्या? और तुम्हारे पापा को ये बात पता थी? नहीं सर, वो एक्चुअली इस बार मैंने जब पेपर चुराया तो उन्होंने देख लिया और पेपर देने से भी मना कर दिया। और अब मुझसे क्या चाहती हो?
सर प्लीज़ मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ सर। ठीक है श्रेया, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों की मेहनत से तुम पास हो पाओगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त सर? इन 2 हफ्तों के लिए तुम किसी ट्रस्टी की बेटी नहीं होगी, सिर्फ एक स्टूडेंट होगी। ठीक है सर, बस आप प्लीज़ मुझे पास करा दो। तो ठीक है, आ जाओ कल से, देखते हैं। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, और एग्जाम्स अच्छे लिख के पास होना, राइट? सर मैं पास हो गई। थैंक यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बैठो। थैंक यू सो मच सर, अगर आपने मुझे एंड मोमेंट पे नहीं पढ़ाया था तो शायद मैं कभी भी पास नहीं हो पाती। बेटा मुझे तो पहले से पता था कि तुम में वो पोटेंशियल है, कि तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन तुमने ही कभी इस बात को सीरियस नहीं लिया। सॉरी सर, मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में एक टीचर की क्या इम्पोर्टेंस होती है। कोई बात नहीं बेटा, मेरे लिए तो मेरा हर स्टूडेंट एक बराबर है, चाहे वो ट्रस्टी की बेटी हो या कोई और। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विद्स क्रिएटर्स। वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देख लें। जोर से बोलो हैप्पी डीडी।